हाय बच्चों, 12th स्टैंडर्ड बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी दिस साइड सीएसीएस हरीश मथारिया, 12वीं महाराष्ट्र बोर्ड, जय महाराष्ट्र, यस और नो, न्यू सिलेबस। सो एमपीओ टॉपिक हमारा चल रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 मैंने होमवर्क दिया था। सॉरी, संध्याकाळची वेळ म्हणजे कातर वेळ, काय सांगू। मैंने होमवर्क दिया था बेटा, क्वेश्चन नंबर 11 लाइक 10, ये 10 की तरह ही है बेटा ये वाला क्वेश्चन। देखो फटाफट से ध्यान दे देना सभी ने। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑन 1 अप्रैल 2019 एंड रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ दयानंद लाइब्रेरी अंबाजोगाई। ठीक है, अंबाजोगाई जी दयानंद लाइब्रेरी म्हणजे एनपीओ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन लाइब्रेरी है, उसकी बैलेंस शीट हमें दिया 1 अप्रैल 2019 की, यानी 31 मार्च 2019। अरे 31 मार्च 19 क्या या 1 अप्रैल 19 के बात तो एक ही है। ठीक है, आगे और क्या बोला है बेटा, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट कब, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 20। मतलब करंट पीरियड कौन सा है, करंट ईयर है 1920 और ये प्रीवियस ईयर कौन सा है, प्रीवियस ईयर है 1819। तो पिछले साल के एंडिंग की बैलेंस शीट दिया है, देखो 1819 यानी 31 मार्च 19 का बैलेंस शीट हम लोगों को दिया है, 31 मार्च 19 का बैलेंस शीट हम लोगों को दिया है बेटा, यस और नो, पक्को, डन। सो करंट ईयर का हम लोगों को इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट बनाना है, करंट ईयर का यानी 1920 का, यानी करंट ईयर का रिसीट पेमेंट दिया हुआ है। सो क्वेश्चन में दिया क्या, ओपनिंग बैलेंस शीट दे दिया, थैंक यू। ओपनिंग मतलब पिछले पीरियड की क्लोजिंग, मतलब इस पीरियड की ओपनिंग। आज तक हर बार क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंसेस दिए रहते थे ना, इस बार ओपनिंग बैलेंस शीट दे दिया पूरी कैपिटल फंड निकाल के, वरना हम लोगों को वर्किंग नोट 1 बनाना पड़ता था एक कैपिटल फंड निकालने के लिए ओपनिंग। और रिसीट पेमेंट अकाउंट दे दिया करंट ईयर का, और हमें करंट ईयर का इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट पूछा है, करंट ईयर का इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट पूछा है। ओके, आगे बढ़ता हूं, आ जाओ, चलो बना लेते पट 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 पट। करंट ईयर का इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट पूछा है, ध्यान देना बेटा। सो देखो तो जल्दी जल्दी से लिखो, दयानंद लाइब्रेरी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। आप पूरा लिखोगे, आप शॉर्टकट यूज नहीं करोगे, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 20, करंट ईयर ये है ना, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 20, यस और नो, सब लोग साथ में हैं, प्लीज एक भी बच्चा कॉन्सेंट्रेशन नहीं लाएगा, पूरी शिद्दत और ईमानदारी के साथ आपने ध्यान देना है, पूरी शिद्दत और ईमानदारी के साथ ध्यान देना है बेटा, आ जाओ। अच्छा आ जाओ, लिख लिया बेटा सभी ने, पक्का, चलो आगे, डन, वेरी गुड। और ये बैलेंस शीट बना लेता हूं नीचे, जगह कम नहीं पड़नी चाहिए, ज्यादा रही तो चलेगा। है ना, कम नहीं पड़ना चाहिए। और वर्किंग नोट वगैरह अगर लगे तो कुछ बना लेंगे। कैसे बनाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन देखो जरा, ओपनिंग बैलेंसेस हमारे पास में दिए हुए हैं, यस और नो,
और उसके बाद रिसीव पेमेंट अकाउंट दिया है, एडजस्टमेंट दिया। कौन कौन से आइटम पे एडजस्टमेंट है टिक कर दो। डेप्रिसिएशन ऑन बुक्स, बुक्स 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 बुक्स, इस पे एडजस्टमेंट है। उसके बाद डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, फर्नीचर फर्नीचर, एंट्रेंस फी आदि जो भी है ना, एंड होल अमाउंट ऑफ द लाइफ मेंबरशिप फीस कैपिटलाइज करना है, आधी एंट्रेंस फी और पूरी लाइफ मेंबरशिप फी कैपिटलाइज करना है, लाइफ मेंबरशिप फी और एंट्रेंस फी, एंट्रेंस फी आधी कैपिटलाइज करना है, लाइफ मेंबरशिप पूरी, लाइफ मेंबरशिप फी पूरी कैपिटलाइज करना है। कैपिटलाइज करना मतलब कैपिटल फंड में डाल दो, यानी बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में लिखो, कैपिटल रिसीट है। उसके बाद लाइब्रेरी हैड 2000 मेंबर्स पेइंग सब्सक्रिप्शन, अच्छा सब्सक्रिप्शन पे एडजस्टमेंट है, अच्छा कोई बात नहीं। एंड वैल्यू ऑफ द अनयूज पोस्टेज स्टैम्प 200, पोस्टेज स्टैम्प का स्टॉक, पोस्टेज स्टैम्प का स्टॉक बचा है, स्टॉक बचा है मेरे पास उसका 1500 में से 200 का, मतलब 1300 ही कंज्यूम हुआ, एडजस्टमेंट पे टिक मार्क लगा दिया। चलो गुरु हो जाओ शुरू, है ना, रिसीट पेमेंट से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, आ जाओ। किसी को कोई तकलीफ है यहाँ पे? पक्का डन, चलो आगे। हाँ आ जाओ। सो रिसीट पेमेंट में सबसे पहला आइटम ओपनिंग बैलेंस दिया है, कैश और बैंक का, है ना, इसका हमें कुछ काम नहीं है, ना ही ओपनिंग बैलेंस ये बैलेंस शीट में काम आने वाला है, क्योंकि ये ओपनिंग बैलेंस कब का है, 1/4/19 का है ये ओपनिंग है, और ये कौन सा है, ये क्लोजिंग बैलेंस 31/3/20 का है, ये क्लोजिंग बैलेंस है, ये क्लोजिंग है, ये मेरे काम का है। तो ये लिख लूँगा मैं कैश और बैंक अकाउंट, कैश और बैंक अकाउंट 9500 और 43,000, कैश बैंक 9500 और 43,000, ठीक है। चल ओपनिंग तो मेरे काम का नहीं, छोड़ दो। मेंबर सब्सक्रिप्शन आ आ आ एडजस्टमेंट, आ जा मुन्ना ध्यान दे देना, मेंबर सब्सक्रिप्शन पे एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट है। ओपनिंग बैलेंस है क्या मेंबर सब्सक्रिप्शन में कुछ, देख लो, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस दिख रहा है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस है, इस पर जहाँ जहाँ इंफॉर्मेशन है सब्सक्रिप्शन पे सब ढूंढ लो, ओपनिंग बैलेंस है इसमें एडजस्टमेंट में। तो पिछले पीरियड के एंडिंग में सब्सक्रिप्शन एडवांस में मिला हुआ था, पिछले पीरियड का ये क्लोजिंग एडवांस है, पिछले पीरियड का ये क्लोजिंग एडवांस है, मतलब इस पीरियड का ओपनिंग एडवांस है, पिछले पीरियड का यानी 18/19 का ये क्लोजिंग एडवांस है, 31/5/19 की बैलेंस शीट है ना, मतलब ये इस पीरियड का 1/4/19 का ये ओपनिंग एडवांस हो जाएगा, पिछले पीरियड का क्लोजिंग, इस पीरियड का क्या बन जाएगा, ओपनिंग एडवांस 3000। सब्सक्रिप्शन पे एडजस्टमेंट है, अकाउंट बना लो, अकाउंट बना लो, अकाउंट बना लो। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग यानी आना बाकी, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, ओपनिंग एडवांस, क्लोजिंग एडवांस, बराबर है क्या? चलो आ जाओ। सब्सक्रिप्शन पे एडजस्टमेंट है, लाइब्रेरी हैड 2000 मेंबर्स पेइंग सब्सक्रिप्शन ऑफ 100, टोटल मेंबर्स कितने हैं 2000, हर एक मेंबर का सब्सक्रिप्शन कितना है 100, सो टोटल सब्सक्रिप्शन का इनकम कितना होना चाहिए 2000 × 100, 2,00,000। सो टोटल सब्सक्रिप्शन का इनकम जो इनकम एक्सपेंडिचर में जाएगा वो कितना होना चाहिए 2,00,000। ओ वाओ, आज तक ये बैलेंसिंग फिगर आता था, इस बार पहली आ गया 2000 × ₹100। आज तक इनकम एक्सपेंडिचर का ये क्या आता था, बैलेंसिंग फिगर, इस बार पहली आ गया 2,00,000 रुपीज। वाओ ग्रेट, जम रहा है मामला, यस और नो। ओपनिंग एडवांस कितना दिया है, क्वेश्चन में दिया है ओपनिंग एडवांस 3000, क्लोजिंग एडवांस कुछ है क्या दिया है एडजस्टमेंट में, नो, क्लोजिंग एडवांस के बारे में एडजस्टमेंट में कुछ नहीं दिया है, क्लोजिंग एडवांस के बारे में एडजस्टमेंट में कुछ नहीं दिया है, यस और नो, क्लियर, पक्की बात, डन।
चलो आगे। पक्का? ओके। उसके बाद और कुछ बोला है? रिसीव कितना हुआ है ड्यूरिंग द पीरियड? बाय रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दिया है, दिया है, दिया है, देख लो, 1,80,000, 1,80,000, 1,80,000 रिसीव हुआ है। एडवांस कितना है बेटा टोटल? प्लीज ध्यान देना, एडवांस कितना है बेटा टोटल मिला है जो? 3,000। बराबर है। सब्सक्रिप्शन आना बाकी है क्या स्प्रेड का? सब्सक्रिप्शन आना बाकी है क्या स्प्रेड का? चेक कर लो, क्वेश्चन में तो दिया हुआ नहीं है। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग दिया है क्या? नो, सिंस नो इन्फॉर्मेशन इज गिवन, सिंस नो इन्फॉर्मेशन, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग कुछ नहीं है। क्लोजिंग एडवांस के बारे में कुछ दिया है क्या? नो, क्लोजिंग एडवांस के बारे में भी कुछ नहीं दिया है, सिंस नो इन्फॉर्मेशन, वरना दिया रहता है ना, क्लोजिंग एडवांस, नो इन्फॉर्मेशन। तो सर इस पीरियड में पिछले पीरियड का 3,000 आ गया रहेगा, 180 में पिछला 3,000 तो प्लीज ध्यान देना बेटा अच्छे से, शॉर्टकट तरीका भी बता देता हूँ, हाँ दोनों तरीके बता देता हूँ। सो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग ऑटोमेटिकली बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा, कितना है बेटा? 17,000, अभी भी आना बाकी है। आज तक बैलेंसिंग फिगर ये आता था लेकिन ये दिया हुआ है। ओपनिंग एडवांस, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, ओपनिंग एडवांस, इसके ऊपर जनरली क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी रहती है, बराबर है। और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, तो वो आ गया बैलेंसिंग फिगर 17,000। एक और शॉर्टकट तरीका बता देता हूँ, ये आउटस्टैंडिंग यानी आना बाकी है, तो यहाँ पे लिख लूंगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 17,000, वर्किंग नोट वन वहाँ पे दे देना, वर्किंग नोट वन। और इनकम एक्सपेंडिचर में जाएगा 2,00,000, इनकम एक्सपेंडिचर में जाएगा 2,00,000, है ना, बाय सब्सक्रिप्शन, बाय सब्सक्रिप्शन, बाय सब्सक्रिप्शन, वर्किंग नोट वन, 2,00,000। ओरल कैलकुलेशन भी आ सकता है बट बना लो वर्किंग नोट, बराबर है। अब अच्छे से ध्यान देना, बराबर, अब ध्यान दे दो, ध्यान दे दो, ध्यान दे दो। हाँ एक और तरीका है, इस पीरियड में टोटल रिसीव कितना हुआ? रिसीव्ड, टोटल रिसीव्ड कितना हुआ इस पीरियड में? इन करंट पीरियड। ए बेटा ध्यान दे, काम की चीज है, पेशेंस के साथ ध्यान दे बेटा। क्वेश्चन में दिया हुआ है 1,80,000 रिसीट पेमेंट अकाउंट में, इस पीरियड में कितना मिलना चाहिए था लेकिन, है ना, वो देख लो। अब ये रिसीव्ड के अंदर में रिलेटेड टू पास्ट, रिलेटेड टू पास्ट, रिलेटेड टू फ्यूचर, रिलेटेड टू करंट पीरियड, रिलेटेड टू करंट पीरियड, एंड रिलेटेड टू फ्यूचर, ये हमें निकालना पड़ेगा ना। अब अच्छे से ध्यान दो ए मुन्ना, ध्यान ध्यान दे बेटा, चला जा तो प्लीज ध्यान दे दो। देखो अभी, हाँ अब मुझे ये बात बताओ, करंट पीरियड में कितना मिलना चाहिए था रिक्वायर्ड? ध्यान दे, इनकम एक्सपेंडिचर क्या कहता है भैया? इस पीरियड से रिलेटेड इनकम इस पीरियड के इनकम एक्सपेंडिचर में आएगी, फिर वो इनकम मिलो चाहे ना मिलो, मिलो चाहे ना मिलो, यस और नो? अब अच्छे से ध्यान दो, अब इन्होंने क्वेश्चन में एक हिंट दे दिया है कि टोटल स्प्रेड की इनकम कितनी होनी चाहिए। 2,000 मेंबर है, एक मेंबर का 100, तो रिक्वायर्ड कितनी इनकम होनी चाहिए? कितनी इनकम होनी चाहिए? 2,00,000, 2,000 × 100, 2,00,000 रुपीज की इनकम होनी चाहिए, 2,00,000 रुपीज की इनकम होनी चाहिए। तो ये तो चला जाएगा इनकम एक्सपेंडिचर में। अब इस 2,00,000 में से मिली कितनी? अब इस 2,00,000 में से मिली कितनी? इस 2,00,000 में से मिली बेटा, ए ध्यान देना बेटा प्लीज ध्यान दे दे अच्छे से, मिली कितनी बेटा? 180, बरोबर है। रिलेटेड टू पास इसमें कुछ नहीं है, रिलेटेड टू फ्यूचर कुछ नहीं है, बरोबर है। और इस 2,00,000 में से ऑलरेडी पास पीरियड में, ऑलरेडी, ऑलरेडी रिसीव्ड इन पास्ट, पहले आपको पिछले साल ही करंट ईयर से रिलेटेड मिल गया था, ऑलरेडी रिसीव्ड इन पास्ट
3,000 रुपये। सो 2 लाख में से 180 और 3, ये 3,000 एडवांस जो है ये पिछले पीरियड में ही एडवांस मिल गया था ना, पिछले पीरियड में एडवांस मिला, पिछले पीरियड में एडवांस मतलब ये रिलेटेड टू करंट पीरियड ही होगा, पिछले पीरियड का एडवांस मतलब रिलेटेड टू करंट पीरियड। सो करंट पीरियड से रिलेटेड टोटल कितना पैसा मिला, करंट पीरियड में 2 लाख का इनकम मिलना चाहिए था, बट करंट पीरियड में 2 लाख में से 180 मिल गया और करंट पीरियड का 3,000 पिछले पीरियड में ही एडवांस मिल गया था, तो करंट पीरियड में टोटल मिल गया 180 प्लस 3, 183 मिल गया। तो अभी भी कितना मिलना बाकी है, 17,000 अभी भी आना बाकी है यानी आउटस्टैंडिंग। इसमें कहीं किसी को डाउट है तो एक बार पहले पूछो, एनी स्टूडेंट एनी काइंड ऑफ डाउट, ये वाला बहुत इम्पॉर्टेंट है। सर ये दोनों में से कौन सा लिखना है, ये लिखना कि ये उधर वाला लिखना, कोई भी लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, अकाउंट जनरली सबको अच्छा लगता है बनाना। किसी को डाउट है, चीज़ें 4 बार देखना, डाउट आया फिर से पूछना, क्लियर है? नो डाउट, ऑल क्लियर, पक्का? वापस एक बार बताता हूँ, इनकम एक्सपेंडिचर कहता है इनकम मिलो चाहे ना मिलो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता जो करंट पीरियड से रिलेटेड है। अब इन्होंने इतना प्यारा सेंटेंस दे दिया जो आज तक कोई क्वेश्चन में नहीं दिया था, टोटल मेंबर से 2,000, हर एक से कितना इनकम होना चाहिए 100, तो 2,000 × 100 2 लाख, सो 2 लाख का इनकम आना चाहिए, फिर मिलो नहीं मिलो चूल्हे में जाने दो, इनकम कितना आना चाहिए 2 लाख, तो डायरेक्टली मैंने इनकम एक्सपेंडिचर में लिख दिया 2 लाख, तो 2 लाख आना चाहिए, बट वो 2 लाख का पिछले पीरियड में ही 3,000 मिल गया। सर आपको किसने बोला, क्वेश्चन में बैलेंस शीट में दिया है ना, पिछले पीरियड में 3,000 एडवांस था, पीछले पीरियड का एडवांस मतलब रिलेटेड टू करंट पीरियड है ऐसा अज्यूम करते, पिछले पीरियड में एडवांस मतलब वो रिलेटेड टू करंट पीरियड है ऐसा अज्यूम करते, सो 2 लाख में से 3,000 पिछले पीरियड में मिल गया और 2 लाख में से 180 इस पीरियड में मिला, रिसीट पेमेंट में दिया है, सो 180 और 3 मिल गया, तो आना कितना बाकी है 17,000। अब समझा मैदा, क्लियर, पक्का? ओके, चलो आ जाओ, चलो आगे बढ़ता हूँ, प्लीज ध्यान देना। आ जा बेटा, चल आगे बढ़ रहा हूँ, प्लीज ध्यान दे दे, वेरी गुड, धीरे से। सो आउटस्टैंडिंग लिख दिया मैंने जो आना बाकी है ये बैलेंस शीट में, ये लिख दिया इनकम एक्सपेंडिचर, और ये तो रिसीट पेमेंट में आ ही गया ऑलरेडी, क्वेश्चन में दिया हुआ ये, ठीक है। क्लोजिंग एडवांस 0 है, हमें जो क्लोजिंग फिगर होती है ना, क्लोजिंग फिगर बैलेंस शीट में जाती है, क्लोजिंग एडवांस होता तो बैलेंस शीट में जाता, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग होता तो भी बैलेंस शीट में, क्लोजिंग एडवांस बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग बैलेंस शीट असेट साइड। ये चला गया, ये चला गया, आगे बढ़ रहा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ। एंट्रेंस फी पे भी एडजस्टमेंट है, एंट्रेंस फी पे क्या एडजस्टमेंट है रे बेटा, एंट्रेंस फी पे क्या एडजस्टमेंट है रे बेटा, ढूंढो 30,000 की एंट्रेंस फी, उसमें से आधी 50% ऑफ द एंट्रेंस फी एंड पूरा लाइफ मेंबरशिप फी क्या करना है, कैपिटलाइज। ओ हो लिखो, बाय एंट्रेंस फी कितनी है 30,000, इसमें से कैपिटलाइज कितनी करनी है, कैपिटलाइज आप पूरा वर्ड लिखना 50%, यानी एंट्रेंस फी कितना दिखेगा 15,000, यानी एंट्रेंस फी कितना दिखेगा 15,000, और बचा हुआ आधा 15,000 एंट्रेंस फी कैपिटलाइज्ड 15,000 एंट्रेंस फी 15,000, यस और नो, क्लियर है, पक्का? चलो आगे, डन। उसके बाद आगे बढ़ रहे, एडजस्टमेंट देख लिया, उसके बाद एंट्रेंस फी के बाद क्या है रे बेटा, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, पुराने न्यूज़पेपर रद्दी में बेचे, कहाँ जाएगा, इनकम एक्सपेंडिचर में, इनकम साइड में डाल दो। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर कितना है रे बाबा 2,000, उसके बाद कोई एडजस्टमेंट नहीं था, टू हायर ऑफ लेक्चर हॉल, पैसा मिला है हमें, हमने भाड़े से नहीं लिया, हमने भाड़े से दिया है, हमने दिया है लेक्चर हॉल भाड़े से दिया है, इनकम आई है,
इनकम आई है लेक्चर के लिए, हॉल भाड़े से दिया हमने हमारा, बाय हायर चार्जेस रिसीव लेक्चर हॉल के कितने रुपए बेटा? 10,000, 10,000। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी इनकम है 5,000 बाय इंटरेस्ट ऑन शेयर्स और सिक्योरिटी 5,000। उसके बाद है ना लाइफ मेंबरशिप फी पे एडजस्टमेंट है 10,000। क्या है? पूरी की पूरी कैपिटलाइज करना है लाइफ मेंबरशिप फी बाय लाइफ मेंबरशिप फी, पूरी की पूरी कैपिटलाइज करना है। कितनी है बेटा? 10,000 है, 10 में से पूरी की पूरी 100% कैपिटलाइज करना है, पूरी की पूरी। तो यहाँ जीरो आएगी, वहाँ से निकाल दो और यहाँ लिख दो लाइफ मेंबरशिप फी पूरी की पूरी, पूरी की पूरी। रिसीट साइट खत्म हो गई, क्लियर, पक्का, डन। चलो आगे, सैलरी पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है लिखो खर्चे में, सैलरी पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है लिखो खर्चे में। टू सैलरी, टू सैलरीज, टू सैलरीज। उसके बाद परचेस ऑफ पोस्टेज स्टैम्प, हाँ इस पे एडजस्टमेंट है ना, एडजस्टमेंट है। प्लीज ध्यान देना, ढूंढो पुराना वाला पोस्टेज स्टैम्प का स्टॉक था 500। उसके बाद ढूंढो जहां जहां पोस्टेज स्टैम्प है सब ढूंढ लो, ओपनिंग बैलेंस शीट सारे आइटम सब जगह ढूंढना है, ओपनिंग बैलेंस शीट और एडिशनल इन्फॉर्मेशन में। और पोस्टेज स्टैम्प के ऊपर क्या बोला है बेटा? वैल्यू ऑफ पोस्टेज स्टैम्प वॉज 200 अनयूज, जो अभी भी पड़े। पुराने वाले कितने थे? 500 के। ये पेमेंट किया मतलब खरीदे, पेमेंट किया मतलब खरीदे, परचेस किया 1 अक्टूबर को, सॉरी पोस्टेज स्टैम्प 1,500 रुपये के। सो पुराने पड़े थे 500 के, पिछले सेल के एंडिंग के। तो लिखो पुराने पड़े थे 500 के, वर्किंग नोट टू, वर्किंग नोट टू, वर्किंग नोट टू, पोस्टेज स्टैम्प, पोस्टेज स्टैम्प, पोस्टेज स्टैम्प, ओपनिंग पहले के पड़े थे 500 के, प्लस परचेज ड्यूरिंग द परेड, परचेज्ड ड्यूरिंग द परेड कितने के खरीदे? 1,500 के। माइनस क्लोजिंग अभी भी एडजस्टमेंट में दिया है ना, अनयूज कितने के है? 200। माइनस क्लोजिंग स्टॉक 200 का है, तो बोलो कितना यूज किया, कंज्यूम किया, एक्सपायर्ड हो गया, एक्सपेंस हो गया, बोलो 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 बोलो। 1,800 कितने का एक्सपायर्ड हो गया? 1,800। कितना खर्चा हुआ? 1,800। ये क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट में दिया है, इसके दो इफेक्ट, एक तो इनकम एक्सपेंडिचर में चला गया, 1,800 गया मतलब 200 गया ना, और दूसरा प्लीज ध्यान देना बैलेंस शीट के असेट साइड में गया ना इनकम एक्सपेंडिचर में, ये कहाँ जाएगा? इनकम एक्सपेंडिचर में ही जाएगा। इनकम एक्सपेंडिचर में गया मतलब कहीं ना कहीं 200 का इंपैक्ट आ गया, और बैलेंस शीट में लिख दो क्लोजिंग स्टॉक 200 का, बैलेंस शीट में लिख दो क्लोजिंग स्टॉक 200, और ये एक्सपेंस लिख दो इनकम एक्सपेंडिचर में 1,800। दो सौ और इनकम एक्सपेंडिचर में लिख दो खर्चा, वर्किंग नोट टू 1,800। क्लियर, पक्का? चलो हाँ, उसके बाद आगे और बढ़ते हैं। बुक्स परचेस किया 1 अक्टूबर को 1 लाख रुपीज़ का, बुक्स पुरानी वाली भी थी 6,50,500 की, बरोबर है, और ख़रीदा 1 लाख का, और बुक पे डेप्रिसिएशन भी है, ये हो गया डेप्रिसिएशन बुक पे 10%। वर्किंग नोट थ्री, बुक्स पुरानी वाली कितनी है? ओपनिंग प्लस परचेस किया ड्यूरिंग द परेड, बोलो पुरानी वाली कितनी है बेटा? पुरानी 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 6,50,500, और परचेस कितने की किया? 1 लाख। पुरानी 6,5500, परचेस किया 1 लाख,
6,50,500 की, परचेस किया 1 लाख की। चलो बेटा पट 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 बता दे, बुक पे डेप्रिसिएशन कितना आएगा? एनीबॉडी, बुक पे डेप्रिसिएशन कितना आएगा बेटा? डेप्रिसिएशन कितनी एनआर? बोलो बोलो। हाँ, टोटल बुक हो गया 7,50,500, बराबर है। अब ये जो पुरानी वाली बुक है इसके ऊपर डेप्रिसिएशन आ जाएगा पूरा, यानी 10%, है ना, पूरा फॉर 12 मंथ्स। और इसके ऊपर कितना डिप्रिसिएशन आएगा, ये 1 अक्टूबर को खरीदा, 1 अक्टूबर 2019, 1 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020, क्योंकि ईयर एंड, करंट ईयर एंड 31 मार्च है ना, तो 1 अक्टूबर टू 31 मार्च 2020, यानी 6 महीना, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च, तो इस पर आएगा डिप्रिसिएशन 6 महीने का फॉर 6 मंथ, यानी आधा। इस पर आएगा पूरा 10%, इस पर आएगा समझ लो 5%। निकालो डिप्रिसिएशन कितना आ रहा है, इस पे 10% निकाल माइनस डेप्रिसिएशन, इस पे 10% निकालो 6,50,500 पे 65,050, है ना, 10% इसका, और 1 लाख का 5%, 6 महीने का आधा, तो 5,000, तो डेप्रिसिएशन हो गया 70,050 रुपये। बोलो क्लोजिंग बुक्स जो बैलेंस शीट में दिखाएंगे वो कितनी है, वो कितनी है, बोलो बेटा, बोलो बोलो पटपट। हाँ, 70,050 माइनस कर दो 6,80,450, ये चला जाएगा बैलेंस शीट के असेट में, ये चला जाएगा इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में, एक्सपेंस साइड में। चलो 6,80,450 लिखो बेटा, बुक्स वर्किंग नोट 4, 4 नहीं 3 है, 6,80,450, और ये डेप्रिसिएशन, ₹70,050। सिंपल, चलो आगे। उसके बाद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पेड, कौन से आउटस्टैंडिंग, लगता है पुराने वाले थे, ढूंढो। हाँ, पुराने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस थे जो पे कर दिए, पुराने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस थे, पुराने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस थे 2000, अब पे कर दिए, नाउ पेड 2000, आउटर कॉलम में कितना आएगा, 0। बोल इसका कोई इम्पैक्ट आएगा, पुराने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस थे मतलब पिछले पीरियड के थे, तो बोलो करंट पीरियड में आएगा क्या, नहीं। करंट पीरियड के इनकम एक्सपेंस में आएगा क्या, नहीं। क्लियर, कहाँ पे आएगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कम और कैश कम, कैश कम हो गई, देखो क्वेश्चन में रिसीट पेमेंट में पेमेंट साइड में दे दिया, कैश कम हो गया, तो ये यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, जीरो लिखने से अच्छा लिखता ही नहीं हो, क्यों जबरदस्ती जगह खराब करना। चलो ठीक है, इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड डिपॉजिट, इन्वेस्टमेंट खरीदा, पुरानी वाली इन्वेस्टमेंट है क्या, ढूंढो ढूंढो, पुरानी वाली इन्वेस्टमेंट है क्या, इन्वेस्टमेंट इन एफडी, पुरानी सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट है, फिक्स्ड डिपॉजिट तो नहीं है, इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज है, इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड डिपॉजिट अभी खरीदा लगता, लिख लो इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड डिपॉजिट एफडी 50,000। उसके बाद फर्नीचर, फर्नीचर पे एडजस्टमेंट है, फर्नीचर का डेप्रिसिएशन 8.5%, पुराना फर्नीचर है क्या, देखो हाँ पुराना फर्नीचर था 50,000, पुराना फर्नीचर था 50,000, और फर्नीचर खरीदा, और फर्नीचर खरीदा 1 जुलाई को, यानी अप्रैल से साल शुरू हुआ, अप्रैल में जून, उसके बाद 1 जुलाई को खरीदा, यानी 9 महीने, 1 जुलाई 2019 से 31 मार्च 2020, 9 महीने का डिप्रिसिएशन आया हुआ है इस पर। फर्नीचर का डिप्रिसिएशन क्या है, 8.5%, पुराना वाला कितने का था, 50,000, इस पीरियड में खरीदा 30, तो वर्किंग नोट 4, वर्किंग नोट 4, फर्नीचर ओपनिंग, पुराना था 50,000, इस पीरियड में खरीदा 30,
1 जुलाई 19 को, इस पे पूरा डिप्रिसिएशन आएगा 12 मंथ का 8.5%, इस पे डिप्रिसिएशन आएगा 9 मंथ का, बराबर है क्या? जो भी रहेगा, बराबर है? यहाँ तक सभी को समझ में आया? सिंपल है। फर्नीचर बेचा है क्या? कुछ देख लो, फर्नीचर बेचा रहता तो रिसीट में रहता नहीं है, बस इतना ही है, इतना ही बोला है। सेम जैसा मैंने बुक्स का किया था, ओपनिंग परचेस और माइनस डिप्रिसिएशन, वैसे ही फर्नीचर का करो। बोलो बेटा, फर्नीचर पे 50,000 पे 8.5%, बोलो कितना आता है? 50,000 पे 8.5%। ओरल है, ओरल है, 50,000 का 8.5% ओरल है। पहले 8% निकालो और फिर आधा परसेंट निकालो। 50,000 का 8% 4,000, 8 × 5 = 40, 8 × 5 = 40, है ना? और 50,000 का आधा परसेंट कितना आया बेटा? 50,000 का आधा, 5 × 5 = 25, 250 रुपये, तो ये आ गया 4,250। समझे क्या? डिप्रिसिएशन। और 50,000 के ऊपर 9 महीने का निकाल लो। 9 महीने का कैसे निकालोगे? 8.5% 1 साल का, तो 9 महीने का कितना? 30,000 पे, 30,000 पे 8.5% निकालो, 30,000 पे 8.5% निकालो, बराबर है? जो भी आएगा फिगर निकालो, 30,000 का 8.5%, ये रफ कैलकुलेशन है, आधा, हाँ आधा परसेंट, 8% कितना आया? 2,400। आधा परसेंट कितना आ जाएगा? 150। ये हो गया 2,550, बराबर ना? 2,550 ये हो गया पूरे 12 महीने का। मुझे चाहिए 9 महीने का, ये है 12 महीने का, मुझे चाहिए 9 महीने का, तो कैसे आएगा? 2,550 ये 12 महीने का है, तो 9 महीने का कितना? 2,550 ये 12 महीने का है, तो 9 महीने का कितना? बोलो बेटा, बोलो बोलो, 3 × 9 3 × 4 = 12, बराबर है ना? 3/4, 3/4, क्लियर है क्या? सो 2,550 के 4 हिस्से कर दो इक्वल, उसमें से हमें कितने हिस्से चाहिए? 3। 12 महीने 1 साल के होते हैं, हमें चाहिए 9 महीने का, तो ओरल है। देखो कैसे करना है, 2,550 के 4 हिस्से करना है, उसमें का मुझे चाहिए कितने हिस्से? 3। 4 में से कितने चाहिए? 3, यानी मुझे कितना चाहिए बेटा? 75%, यानी मुझे कितना चाहिए बेटा? 75%, 4 में से 3 हिस्से, मतलब चाहिए 75%, क्लियर? क्या मैं बोल सकता हूँ ऐसा? निकालो बेटा, इसके 4 इक्वल हिस्से, तो 2,500 है ना? 2,500, बताने के लिए बहुत टाइम लगता है, करने के लिए बहुत कम टाइम लगता है। 4 हिस्से करो, इसके 4 हिस्से करो, 4 और इसके भी 4, बोलो तो 2,500 के 4 हिस्से बेटा, हाँ, 625, मुझे 4 में से कितने हिस्से चाहिए? 3, एक निकाल दो, 50 के 4 हिस्से, 12.5, ये मन के मन में होना चाहिए, ये भी निकाल दो, ये हो गया 37.5, और ये 625, 18 और ये 75, है ना? 1875 प्लस 37.5 कितना हुआ रे बेटा? 1875 प्लस 37.5, ये हो गया 1875, ये हो गया 1912.5, 1912 राउंड ऑफ कर देता हूँ, 1912-1913 लिख लो, जो भी लिखना है लिख लो, समझ में आया? ये कैसे भी करो कैलकुलेशन। अब ये टोटल डिप्रिसिएशन कितना हो गया? 4,250 और 1912 माइनस कर दो, 50 और 3 80,000 में से 1912 और 4,250 टोटल कितना हुआ डिप्रिसिएशन? देख लो, पट 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 माइनस कर लो, ओरल है 6162, आपको कैलकुलेशन करके बता रहा हूँ बेटा, चलो पट 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 माइनस कर और मुझे बता कितना आ रहा है फर्नीचर का, जल्दी जल्दी से। ठीक है, नहीं ये 8 आएगा, ये जाएगा बैलेंस शीट में, ये जाएगा इनकम एक्सपेंडिचर में, 6162 और
73,838। बरोबर, क्लियर। चल आगे बढ़ते हो बेटा, फर्नीचर का भी हो गया। देन प्रिंटिंग स्टेशनरी लिख दो खर्चे में, प्रिंटिंग स्टेशनरी। देन रेंट लिख दो खर्चे में। ये सारा टिक्का टिक्का हो गया, सारी एडजस्टमेंट हो गई, लाइब्रेरी का, मेंबर्स का हो गया, अनयूज पोस्टेज स्टैम्प का हो गया। अब पुराने बैलेंस देख लो कौन कौन से बचे हैं। इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटी पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, पिछले पीरियड के एंडिंग में भी असेट थी ऐसा समझेंगे, इस पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इस पीरियड में भी असेट एज इट इज बची है। इन्वेस्टमेंट 7,000 एज इट इज है, नो चेंज। कैश इन हैंड ये तो पिछले पीरियड का था ना क्लोजिंग, तो इस पीरियड के ओपनिंग में आ गया रहेगा 7,40 कैश और बैंक, 7,40 कैश और बैंक, 7,40 कैश बैंक हमने 7,40 यहाँ पे ले लिया, 7,40 पिछले ब्रेड का क्लोजिंग, इस ब्रेड का ओपनिंग। बट ये ओपनिंग का हम लोग क्या अचार डालेंगे, कुछ नहीं, बाकी सब हो गया। ओपनिंग कैपिटल फंड 7,50,000, यही लिख देता हूँ ना डायरेक्ट, दैट्स इट, गेम ओवर। फटाफट से अब इनकम एक्सपेंडिचर का सरप्लस या डेफिसिट निकालो, अगर सरप्लस आया इस साइड में आया बैलेंस तो इसमें ऐड कर लो, और डेफिसिट आया तो लेस कर लो, सरप्लस आया तो ऐड कर लो, डेफिसिट आया तो लेस कर लो, है ना। जो भी सरप्लस आएगा बैलेंसिंग फिगर वो यहाँ पे ऐड कर देंगे और आपकी बैलेंस शीट टैली। कुछ था रे इसमें, सिंपल है पक्का, एनी स्टूडेंट एनी काइंड ऑफ डाउट, निकालो बेटा। बता रहे बेटा सरप्लस कितना आ रहा है, पटपट पटपट बता दो। 1,05,988 आया तो ऐड कर दो 1,05,988, यही आया, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। और बैलेंस शीट की टोटल कर मुन्ना, बैलेंस शीट की टोटल करो, मैं लायबिलिटी साइड की करूंगा इस बार। 15 और 10 25 25 और ये 1,05, 1,30,000, 1,30,000 और ये 7,50, यानी 8,80,988, 8,80,988, 8,80,988, 8,80,988, 8,80,988। असेट साइड की टोटल भी इतनी ही आनी चाहिए, करो अभी के अभी मुझे बताओ करके ताकि चेक हो जाएगा। असेट साइड का भी टोटल इतना ही आना चाहिए, वेरी गुड। समझ में आया कैसे क्या करना है, आसान लग रहा है टॉपिक, अभी क्लियर है, पक्का डन। उम्मीद करता हूँ जो भी आज तक बताया वो आपको समझ में आया होगा, चिंता मत करना, प्रैक्टिस हम लोग भरपूर करेंगे, और भी शॉर्टकट ट्रिक्स और आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। मैं आपको जो भी प्रिपरेशन करवा के दे रहा हूँ ना, ये चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स कंपनी सेक्रेटरी कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंसी कोर्स के हिसाब से बता रहा हूँ, सिर्फ 11वीं 12वीं पास करने के हिसाब से नहीं बता रहा हूँ। हाँ आएगी धीरे धीरे और भी इम्प्रूवमेंट आएगी, मैं बैठा हूँ। 50% तो समझाना, 50%, 100% जाएंगे ना धीरे धीरे आखिरी में, डन। चल थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, स्टे होम स्टे सेफ बेटा, बाय।